नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मानसून के बारे में और बारिश के बारे में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आज कि मानसून क्या होता है। दोस्तों एक्चुअली में मानसून काम कैसे करता है, किस तरीके से भारत में जो है मानसून के टाइम पर बारिश आती है। दोस्तों ये सब शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बारिश होती कैसे। दोस्तों जब सूरज की रोशनी कहीं भी जहाँ पे पानी होता है, दोस्तों पानी ज़्यादातर पानी कहाँ है, हमारे महासागरों में है। दोस्तों जब सूरज की रोशनी महासागरों पर पड़ती है तो वो वाष्पित हो जाती है। दोस्तों पानी जो है वाष्पित होकर ऊपर की तरफ उठता है। दोस्तों ऊपर उठते वक्त जब ऊंचाई हासिल कर लेता है, वो जो वाटर वेपर है, जो उसका वाष्पित हुआ जो पानी है वो एक ऊंचाई हासिल कर लेता है दोस्तों, फिर वो थोड़ा ठंडा होने लग जाता है। दोस्तों ठंडे होने के कारण वो एक बादल का रूप धारण कर लेता है। दोस्तों बादल का रूप धारण करने के कारण फिर हवाएं जो होती है, जो हवाएं चलती है वो उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है दोस्तों। और जब वो पृथ्वी पर आता है, जब मतलब ज़मीन के एरिया में आता है, तो दोस्तों वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं दोस्तों, वो बादल उनसे टकरा कर बूंद का रूप धारण कर लेता है और वो बूंदें बहुत ज़्यादा वजन होने के कारण नीचे को गिर जाती है दोस्तों। इसी तरीके से बारिश होती है। लेकिन दोस्तों मानसून के केस में क्या होता है, दोस्तों जो मानसून होता है हमारे यहाँ पे, जो हमारी जो धरती है दोस्तों, वो आपको पता होगा 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। दोस्तों झुकी हुई से इस तरीके से अगर आपको ऐसा लगता है कि धरती ऐसे गोल 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 सीधे सीधे घूम रही है लट्टू की तरह, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। 23.5 डिग्री झुकी होने का मतलब है दोस्तों, जब हम किसी लट्टू को घुमाते हैं तो जब वो फुल स्पीड में चलता है तो वो बिल्कुल सीधा चलता है, लेकिन जैसे ही उसकी स्पीड कम होने लगती है वो ऐसे ऐसे झूलने लग जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे वो गिरने वाला होता है ऐसे ऐसे झूलने लगता है। दोस्तों हमारी धरती भी इसी तरीके से ऐसे झूलती हुई घूमती है। तो दोस्तों जब वो इस तरीके से झूलती हुई घूमती है तो वो लगातार दोस्तों हर साल के अलग अलग महीनों में जो सूर्य की किरणें हैं वो अलग अलग हिस्सों पे पड़ती है दोस्तों, सीधी। दोस्तों जिस तरीके से सितंबर में बिल्कुल सीधी भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें पड़ती है, उसी तरीके से दोस्तों जून का जो महीना होता है, 21 जून को जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी कर्क रेखा पे पड़ती है, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर निकलती है। तो दोस्तों इस वजह से जून के महीने में भारत का, हमारे देश का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और जिसकी वजह से आसपास का जितना भी पानी होता है वो वाष्पित होकर ऊपर की तरफ उठने लग जाता है। दोस्तों जैसे ही पानी ऊपर की तरफ उठता है, ज़मीनें सूखी हो जाती हैं, तो वहाँ पर जो ज़मीनी इलाका है, जो उत्तर भारत का जो एरिया है दोस्तों, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ एक कम दबाव का क्षेत्र पैदा हो जाता है दोस्तों, वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि वो ऊपर की तरफ उठ गए हैं, सारे वाष्प के जो कण हैं ऊपर को उठ जाते हैं। दोस्तों उसी तरीके से जैसे कि जो साउथर्न हेमिस्फेयर है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध है दोस्तों हमारी पृथ्वी का, वहाँ पे जून के टाइम पे सर्दी का मौसम होता है क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। इसलिए जो ऑस्ट्रेलिया और वो जो देश है जो दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दो प्रमुख देश हैं दोस्तों, वहाँ पर जून के मौसम में सर्दी का मौसम पाया जाता है, जून के महीने में उधर सर्दी होती है। तो दोस्तों सर्दी होने की वजह से वहाँ पे ज़्यादा दबाव होता है दोस्तों, जो दक्षिणी गोलार्ध का जो एरिया है वहाँ पे हाई प्रेशर होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में जो जिसमें कि इंडिया है वहाँ पे लो प्रेशर का एरिया हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से जब हाई प्रेशर का एरिया से जो हवाएँ हैं, जो हाई प्रेशर की जो हवाएँ हैं दोस्तों, वो ठंडी होती है और ठंडी हवाएँ नीचे की तरफ रहती है और जो ज़मीन के ऊपर का जो एरिया है भारत के, उत्तरी भारत का जो इलाका है, वहाँ पे हवाएं ऊपर की ओर उठती है। ऊपर की हवा जब हल्की हो जाती है ना दोस्तों, जब उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ के जब वो हवा ऊपर वाष्पित होकर ऊपर की ओर उठती है, जैसे आपने हॉट एयर बलून देखा होगा दोस्तों, उसमें क्या करते हैं, नीचे को एक आग जला देते हैं, वो आग जो है ऊपर की हवा को गर्म करती है, जैसे ही हवा गर्म होती है वो फैल के हल्की हो जाती है, जो टोटल ओवरऑल एटमोसफेयर है उससे हल्की हो जाती है, उसका घनत्व जो है कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो हॉट एयर बलून ऊपर की ओर उठता है। दोस्तों इसी तरीके से जब वो हवा ऊपर की ओर उठती है तो उस हवा के उठने से जो जगह खाली हुई उसको भरने के लिए दोस्तों जो हाई प्रेशर का एरिया है, हाई प्रेशर का जो एरिया से हवा निकल के लो प्रेशर के एरिया में जाना शुरू कर देती है, मतलब जो हिंद महासागर है जो भारत के दक्षिणी हिस्से में है, वहाँ के जो बादल होते हैं दोस्तों वो हमारे उत्तरी क्षेत्र में आना शुरू कर देते हैं, जो उत्तरी भारत की तरफ आना शुरू कर देते हैं दोस्तों। जैसे ही वे उत्तर की तरफ आते हैं तो वो जो बादल है वो बारिश के रूप में बरसते हैं दोस्तों, उसी को हम मानसून कहते हैं। लेकिन दोस्तों
जैसे जुलाई और अगस्त बीतता है दोस्तों, सितंबर में क्या होता है, जो सूर्य है वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन को चेंज करते हुए भूमध्य रेखा पे ले आता है दोस्तों। उससे होता क्या है कि भूमध्य रेखा पे टेम्परेचर हाई हो जाता है और उत्तरी गोलार्ध जो जिसमें हमारा इंडिया है उसमें टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है बारिश की वजह से भी, और जो सूर्य की किरणें हैं वो डायरेक्ट जो है कर्क रेखा पर ना पड़ने की बजाय भूमध्य रेखा पर पड़नी शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे वक्त बीतता है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जो मकर रेखा है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और ये जो साउथर्न हेमिस्फेयर के देश हैं उनके ऊपर वो पड़ने लग जाती है, जिसकी वजह से उधर गर्मी हो जाती है और हमारे देश में थोड़ी ठंडा इलाका हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे दबाव ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। जैसे जैसे अगस्त सितंबर अक्टूबर की तरफ जाएंगे हमारे देश में जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा हो जाता है, और जो साउथ का एरिया है वहाँ पे प्रेशर जो है कम हो जाता है, तो दोस्तों वे हवाएं वापस दोबारा, वे जो बादल हैं वे वापस दोबारा, जो लौटता हुआ मानसून बोला जाता है दोस्तों, वो वापस उत्तरी गोलार्ध से होता हुआ नीचे की तरफ आने लगता है दोस्तों। इसीलिए हमारे जो हमारे देश के जो कुछ साउथ के जो राज्य हैं जैसे कि तमिलनाडु हो गए, वहाँ पे लौटता हुआ मानसून दोस्तों, वहाँ पे मानसून थोड़ा नवंबर दिसंबर में आता है, वो जो यहाँ की हवाएं जो होती है उत्तर की हवाएं जब नीचे की तरफ जाती है बादलों को लेते हुए, तो वे वहाँ पे जो पूर्वी घाट है दोस्तों, एक्चुअली में क्या है जो हमारे जो पर्वत है ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं किसी भी बारिश को कराने के लिए, वो रोकने के वो बादल को रोकते हैं, जैसे जैसे उत्तर भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं दोस्तों, वे बादलों को रोक कर वर्षा कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी तरीके से दोस्तों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट भी बादलों को रोककर वर्षा कराने में सहायता कराते हैं दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों ये चक्र चलता रहता है, हर साल दर साल ये चक्र चलता ही रहता है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी दोस्तों। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।